सो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली वेल। आज का हमारा टॉपिक है जिन बच्चों ने 12th में आर्ट्स लिया है उनके पास आगे जाके क्या क्या कोर्सेस है और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ, जो बच्चे हमारा कॉमर्स और साइंस के बच्चे जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर में मैंने पहले से ही चैनल में वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। ऊपर आई बटन और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, मैंने लिंक दे दी है। तो हम आर्ट्स की वीडियो शुरू कर दें। तो पहली चीज़ है जो आर्ट्स में आती है बहुत ही फेमस, वो है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। BA में आप किसी भी सब्जेक्ट में आप BA कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जर्नलिज्म हो गया, मलयालम हो गया और बहुत सारी रिलीजियस लैंग्वेज है जिसमें आप BA कर सकते हो। उसके बाद आप BBA कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक मैनेजमेंट का कोर्स रहता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो सिर्फ कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही कर सकता है, वो एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हो तो। उसके बाद आता है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। ये कुछ कॉलेज हैं जिन्होंने ये कोर्स न्यू अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो आप BMS भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट मतलब मैंने बताया था, आप सिर्फ उसमें खाना पकाना नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जैसे क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग और बहुत सारे चीज़ें जो आप होटल मैनेजमेंट में कर सकते हो। अगर आपको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग BFD, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको फैशन डिज़ाइनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी आप जा सकते हो। उसके बाद आप BCA कर सकते हो। हाँ, साइंस वाला स्टूडेंट ही नहीं है, आर्ट्स वाला स्टूडेंट BCA कर सकता है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको लैंग्वेजेस सीखने जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आप BCA भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप BA LLB कर सकते हो। आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जो लॉ के इंटीग्रेटेड लॉ है BA और LLB, अगर आपको ये करना है, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप BA LLB आप कर सकते हो। उसके बाद आप DEd कर सकते हो फॉर टीचिंग। अगर आपको टीचर बनना है तो आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप उसमें आप BA करके आप उसके टीचर बन सकते हो। आप उसमें उसके बाद आप उसके BEd कर सकते हो उस सब्जेक्ट में, तो ये एक ऑप्शन है टीचर बनने का। इसके बाद आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। जितने भी मैरिजेस होते हैं, बर्थडे पार्टीज होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग लगते हैं, तो जितने भी वो लोग हैं उनको एक कोर्स सिखाया जाता है, तो आप वो कोर्स आप कर सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आगे करियर ऑप्शन है वो। उसके बाद आप BJMC कर सकते हो। आपको बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अगर आपको अगर आप जर्नलिस्ट बनना है आपको, तो आप BJMC आप कर सकते हो। उसके बाद आप प्रोफेशनल आर्ट्स में कर सकते हो। प्रोफेशनल आपकी खुद की जितनी भी हॉबीज़ आप उसमें आप अगर आपको इंटरेस्ट आपकी हॉबीज़ में तो आप प्रोफेशनल आर्ट्स आप कर सकते हो। उसके बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जितने भी एनिमेशंस हो गया, कार्ड डिज़ाइनिंग हो गया, तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंडर आता है, तो आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो हमें डायरेक्ट जॉब लग सकती है, वो है बैंकिंग। अगर आपको बैंकिंग में जाना, आज स्टूडेंट को अगर बैंकिंग में जाना तो आपको बैंकिंग भी आप जा सकते हो। आपको एक कोई भी आपको एक क्लरिकल लेवल की आपको एक जॉब मिल सकती है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन अगर आप करते हो, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी जॉब आपको लग सकती है, वो है BCA। अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो डायरेक्ट आपको बहुत IT कंपनीज आपको आएंगी आपको हायर करने, और बहुत सारी प्लेसमेंट है BCA के लिए, तो आप BCA भी आप जा सकते हो। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, अगर आप होटल मैनेजमेंट का भी आप कोर्स करते हो तो बहुत सारे होटल से जो आपको हायर करने आएंगी। उसके बाद आप BJMC भी आप कर सकते हो। देखिए, आपको अगर आप BJMC का कोर्स करते हो तो बहुत सारे आज के फील्ड में बहुत सारे न्यूज़ेस है, तो आपको वो न्यूज़ वाले भी आपको ले सकते हैं, आपको बहुत सारे उसमें प्लेसमेंट्स है। फिर उसके बाद एक है जो मेरे ध्यान में आ रहा है, वो है कॉल सेंटर। अगर आपको कॉल सेंटर में आपको काम करना है तो आप कॉल सेंटर में भी आप जा सकते हो। उसके बाद आप BBA आप कर सकते हो, जो आर्ट्स वालों के लिए है। फिर उसके बाद आप BFA कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल आर्ट्स। अगर आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो, 3 साल का ये होता है, आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद आप BPED, फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन लाइन में जाना है तो आप BPED का आप कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आप BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आपको सोशल वर्क के लाइन में जाना है, आपको सोशल पॉलिटिकल बनना है, तो आप BSW का आप कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेस भी आप कर सकते हो, जो 1 से 3 साल के बीच में रहता है अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो। उसके बाद बहुत ही अच्छा कोर्स है आपका, अगर आपको एविएशन में जाना है तो आप कैबिन क्रू का भी आप कोर्स कर सकते हो। कैबिन क्रू के भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस रहते हैं, अगर आपको एविएशन की लाइन में जा सकते हैं। देखिए, हम प्लेन में जाते तो मतलब जो भी लोग हमें ग्रीट करते हैं वो कैबिन क्रू के मेंबर्स रहते हैं। अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, कैबिन क्रू के अगर आपको कोर्सेज करनी है, कैबिन क्रू में आपको जाना है तो आप कैबिन क्रू का कोर्सेज आप कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट भी हो गया, इसमें भी आपको ट्रैवल, अगर आपको घूमना पसंद है तो आप ये कोर्स कर सकते हो ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट का। फिर इसके बाद हो गया CFA आप कर सकते हो, जो एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है। मैंने आपको बताया था ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं किया हो सिर्फ उसे कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही कर सकता है, ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। उसके बाद देखिए ये सब कोर्सेज थे जो एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट कर सकता है, कि बहुत सारे ऑप्शन है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो एक गलत चीज़ है। देखिए आजकल के ज़माने में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप आर्ट्स अगर आप लेते हो तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी खुल जाती हैं। ऐसा नहीं कि साइंस वाले की जॉब लगती है, कॉमर्स वाले की जॉब लगती है, आर्ट्स वाले की भी जॉब लगती है। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप ज़रूर आपके अंदर आपकी जॉब लग सकती है। कोर्स करना और जॉब लगना दो अलग अलग चीज़ें हैं, पूरा डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हर बार की तरह आप इस बार भी आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए, शुक्रिया।